कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, नीट 2021 से रिलेटेड, ठीक है ना। दोस्तों बहुत सारी जगहों पे आपको कुछ कुछ चीज़ों जो अलग अलग चीज़ें जो देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि वो चीज़ें जो बिल्कुल तरीके से गलत है, लेकिन मैं ये जरूर आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पर वो बहुत ही ऑथेंटिक मिलेगी, ठीक है ना। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे कि जो आपका एग्जामिनेशन है नीट 2021 से रिलेटेड, वो एग्जामिनेशन जो वो कब तक होंगे, ठीक है ना। दोस्तों उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। अभी दो आर्टिकल छपा है, मैं दोनों आर्टिकल आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, ठीक है। दोस्तों मैं आपको दो अपडेट दिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले इस अपडेट को मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद फिर वो जो सेकंड वाले अपडेट है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं नीट 2021 लाइव अपडेट, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 12 रिजल्ट लाइव अपडेट, लेटेस्ट न्यूज ऑन एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड इसमें लेटेस्ट अपडेट दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस यानी एनटीए का जो नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है वो 1 अगस्त को हो हेल्ड होना था, यानी कि विल बी हेल्ड, यानी कि होंगे 1 अगस्त को होंगे, लेकिन दोस्तों ये किसी कारणवश जो वो पोस्टपोन कर दी गई है। मैं आपको नीचे दिखा दूं, देखिए यहाँ पे ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे क्या लिखी गई कि विल बी हेल्ड ऑन 1 अगस्त, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन आपके थे 1 अगस्त को होने थे, धर्मेंद्र प्रधान न्यू एजुकेशन मिनिस्टर टुक चार्ज ऑन फ्राइडे एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैव फ्लडेड सोशल मीडिया सिंस। अब देखिए दोस्तों मैं आपको सेकेंड वाली जो आर्टिकल दिखाऊंगा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ से तो क्लियर हो गया कि आपकी एग्जामिनेशन जो वो नीट 2021 एग्जामिनेशन फाइनली पोस्टपोन्ड कर दी गई है, लेकिन इसके जो न्यू डेट जाने वाले वो क्या जाने वाले मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, अकॉर्डिंग द रिपोर्ट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द न्यू शेड्यूल फॉर नीट 2021 एंट्रेंस एग्जाम विल बाई नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट वीक, यानी कि इसके अगले वीक में जो है वो उसके जो शेड्यूल है वो जारी किए जाएंगे, और क्या एग्जामिनेशन डेट रहेंगे वो भी हम आगे जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिसका जो शेड्यूल है वो कब जारी किया जाएगा, तो शेड्यूल आपके जो है वो नेक्स्ट वीक जो जारी किया जाएगा, यानी कि अभी तो सेकेंड। दोस्तों यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय आपके मन में डाउट आना या किसी भी सवाल पर अटक जाना स्वाभाविक है। आपको हमेशा ही मोबाइल में फिलो ऐप डाउनलोड करके रखनी है, जिसमें आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन फीचर। यहां पर लाइव एक्सपर्ट द्वारा आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है, फिर चाहे आपका डाउट किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप अपना डाउट फोटो खींच के या फिर टाइप करके पूछ सकते हैं एक्सपर्ट, जिसे लाइव कॉल के माध्यम से आपको समझाएंगे। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? इस तरह से आप अपने किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सेकेंड वीक आपका चल रहा है, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, यानी कि थर्ड वीक ऑफ जुलाई में आपके जो कुछ भी है नीट के जो नई शेड्यूल है वो जारी कर दिए जाएंगे, ये रिपोर्ट के अनुसार ये कह रही है, ठीक है ना। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो एज लैक ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री द वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम डेट फॉर नीट 2021 सोर्सेज क्लेम दैट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2021 अंडर ग्रेजुएट यूजी एग्जाम वुड बी पोस्टपोन टिल सेप्टेम्बर। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि सेप्टेम्बर तक जो है वो पोस्टपोन करने की बात जो है वो कर रही है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों ये बातें मैं पहले ही आपको बहुत पहले से कह रहा था, अगर आप हमारे चैनल को हमेशा से देख रहे हैं तो मैं आपको ये बात पहले से ही कह रहा था कि आपके एग्जामिनेशन जो वो सेप्टेम्बर तक पोस्टपोन होंगे। हालांकि दोस्तों अगस्त में एग्जामिनेशन होने का कोई भी चांस दिखता नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से डेट जो है वो संडे पड़ती है, संडे को ही आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। दोस्तों संडे कौन कौन से डेट को पड़ती है तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो संडे पड़ता है 29 को पड़ता है, ठीक है ना। दोस्तों अगस्त की अगर हम बात करें, अगस्त के लास्ट वीक की बात करें, ठीक है ना, क्योंकि उसके पहले एग्जामिनेशन होने का कोई भी चांस है नहीं। एक संडे 29 को पड़ता है, एक संडे 12 को पड़ता है, एक सॉरी 29 के बाद 5 को पड़ता है, 5 के बाद 12 को पड़ता है, और 12 के बाद जो वो आपके 19 को पड़ता है। ये चार संडे जो वो अगर हम सितंबर की बात करें तो चार संडे पड़ता है। अब देखिए दोस्तों एक बात यहां पे कि 29 तारीख को क्या आपकी एग्जामिनेशन अगस्त में होंगे, तो अगस्त में एग्जामिनेशन होने का कोई भी चांस दिखता ही नहीं है, ठीक है ना। 5 तारीख को भी आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। ये जो कुछ दिन पहले नोटिस वायरल हुआ था तो उसमें एनटीए ने खुद एक नोटिस जारी करके कहा कि 5 तारीख को ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, चीज़ें बिल्कुल तरीके से गलत है। 12 तारीख को भी आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, शायद इस समय आपका रक्षाबंधन भी है, ठीक है ना। तो इस कारण से आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, और 19 तारीख को जो पूरी पूरी आशा ऐसा दिख रही है कि 19 तारीख को आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा सकते हैं सेप्टेम्बर में, और आप देखिएगा कि यही आपके समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी आपके पास कम से कम 2 महीने का समय जो है वो पूरी तरीके से है।
तो आप अभी बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए। 2 से 2.5 महीने आपके पास बिल्कुल पूरी तरीके से समय, जब तक आपके, और अब बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए जाएंगे, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए, सितंबर के लास्ट तक आपकी एग्जामिनेशन होने की पूरी पूरी चांसेस दिख रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा अगर आपको जरा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।